हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। एम आई ऑडिबल? सबसे पहले तो हम टेस्ट कर रहे हैं एक नया हेडफोन, राइट? तो बता दो यार जल्दी से, ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ। तो भी नहीं आया लाइव? ओहो, बता के नहीं आया। आवाज़ सुनाई भी दे रही है नहीं? लग रहा है ऑडिबल, हम थोड़ी इम्प्रूवमेंट। चलो स्टार्ट करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ, ठीक है? और अगर आवाज़ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो बता देना। जो पुराना वाला हेडफोन है वो पास में रखा हुआ है, हम चेंज कर, राइट? पर आज ये नया वाला टेस्ट करते हैं। इसकी बहुत तारीफ है अमेजोन पे, देखते हैं अगर ये काम करेगा। अगर ये काम कर जाता है तो फिर मैं बोलूँगी सस्ती बहुत अच्छे से काम करती है। जब हम बहुत महंगे महंगे हेडफोन मंगवा रहे, तो जब सस्ता हेडफोन मंगवाया तो उसने सस्ता काम किया, ठीक है? चलो इंट्रोडक्शन दे देती हूँ यार। अगर आप हमारे चैनल पे सबसे पहली बार आए हो तो वेलकम है आपका, थैंक यू आने। द हिंदू का एनालिसिस करते हैं हम हर रोज़। वैसे तो ये एनालिसिस जो आज हम लेट कर रहे हैं, नॉर्मली हमारा एनालिसिस 7 PM। आप मेरे साथ नोट्स बना सकते हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो करंट अफेयर्स मेरे साथ। पीडीएफ अवेलेबल होते हैं एजुगिरी के टेलीग्राम पे और @ एजुगिरी इंस्टाग्राम पर। पीडीएफ किस किस चीज़ के अवेलेबल होता है? न्यूज़पेपर का अवेलेबल होता है और एक्स्ट्रा इन्फो का अवेलेबल होता है, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस से, ठीक है? ऑडिबल वाले में बता देना अगर ये बीच में अब वॉइस ब्रेक होने लग जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, थिंग्स आर नॉट राइट। ओके, स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। The Supreme Court, after inspecting official files on Thursday, said that the appointment of Arun Goyal as election commissioner was done with lightning speed, the procedure taking less than 24 hours from start to finish on November 18. यार अब इलेक्शन कमिश्नर का बहुत ज़्यादा इशू हो रखा है, ठीक है? तो ये हमें समझ लेना चाहिए और हम यहाँ पे ब्लू पेन उठाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर, सबसे पहले तो नए इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं, है ना? इनके अपॉइंटमेंट से, है ना, जैसे ही ये अपॉइंट हुए तो इलेक्शन कमिश्नर का जो इशू है वो राइज हो गया। क्या हुआ? तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम पहले नोट कर चुके हैं। सबसे पहले तो इनका नाम, ठीक है ना? तो न्यू इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अरुण गोयल, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो यार, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे स्टोरी टाइम है, सुन लो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, तो स्टोरी टाइम है वो मैं यहाँ पर करवा दिया करूँगी, ठीक है? स्टोरी टाइम के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो कह रही है कि भैया तो तुम ईसी मतलब इलेक्शन कमिश्नर और सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट करते हो ना, उसके अंदर थोड़ा सा जुडिशरी का हाथ भी होना चाहिए। किसके अंदर? अपॉइंटमेंट के अंदर। वो कहते हैं क्योंकि ये पोस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि इलेक्शंस होते हैं, ये सारे डिसीजंस लेते हैं, तो इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा हाथ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इसके अंदर जुडिशरी होनी चाहिए। तो हम जो कोलेजियम सजेस्ट कर रहे हैं, हम जो लोगों को इंक्लूड करने को कह रहे हैं, कोलेजियम क्या होता है? कोलेजियम इज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना? ग्रुप ऑफ लोग भी लिख लेते हैं जो अपॉइंटमेंट करेंगे, है ना? जो अपॉइंटमेंट करेंगे। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई एक तो सीजीआई होना चाहिए, ठीक है, एक पीएम होना चाहिए और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना चाहिए। ये सुजेशन है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर इस चीज़ पर बात चल रही है। एंड उन्होंने कहा कि ये जो है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है वही इलेक्शन कमिश्नर करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर अपॉइंटमेंट जो है वो चेंज होनी चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात यहाँ पर जो हो रही है वो कह रहे हैं कि बहुत ही जल्दी अपॉइंटमेंट कर दी, 24 आवर्स के विदिन। तो यहाँ पे जैसे ही उनको लगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई ये चैलेंज हो रहा है इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, उन्होंने फटाफट से अपॉइंटमेंट कर दी। तो इसके अंदर हमें सिर्फ ये याद रखना है कि न्यू इलेक्शन कमिश्नर कौन है और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। मुझे चार्ट सेक्शन में बताओ कौन है, ठीक है? इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? अब आगे चलेंगे। जामा मस्जिद के अंदर वुमेन की एंट्री, तो पहले क्या नोटिस आ गया था? पहले ये नोटिस आ गया था कि मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन हैड पुट अप नोटिसेस आउटसाइड द एंट्री गेट स्टेटिंग दैट वुमेन हु आरंट अकम्पनीड बाय देयर फैमिली मेंबर्स और आर अलोन आर नॉट अलाउड इनसाइड द मॉस्क, ठीक है? उन्होंने ये बोला था कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं और आपको किसी आप अकेले जो है, वुमेन अकेली जो है वो जामा मस्जिद में नहीं जा सकती, राइट, मॉस्क के अंदर। उसके बाद इसके ऊपर इशू उठाया गया कि भाई क्यों नहीं जा सकती अकेली। यस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज राजीव कुमार, वेरी गुड रहा था, ठीक है? तो यहाँ पर ये लिख रहे थे सी राजीव कुमार, ठीक है? अगर पहले नोट किया हुआ ये दोनों पॉइंटर्स तो दोबारा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हमें सिर्फ अपडेट्स लेने की चल क्या रहा है। अब यहाँ पर जामा मस्जिद वाले केस के अंदर तो उन्होंने जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वीके सक्सेना, उन्होंने ये मैटर उठाया कि भाई ये तो गलत है कि वुमेन क्यों नहीं अकेली जा सकती जामा मस्जिद, तो अब ये रिमूव कर दिया गया है. The said the move was implemented to preserve the sanctity of the mosque and aimed at preventing improper activities. तो वो कहते हैं क्या aim था कि mosque के अंदर कोई भी improper activity ना हो, right? तो बस ये हमें अभी दिमाग में रखना, अगर इसका ज़्यादा issue बनता है तभी नोट करेंगे, नहीं तो ये एक छोटा सा ही matter है. Okay, आगे चलेंगे. अब यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट कंडक्ट्स फर्स्ट मीटिंग फॉर महाकुंभ. तो यहाँ पे हमारा महाकुंभ कब हो रहा है? 2025 में, और ये कहाँ पे होता है? प्रयागराज, है ना. तो यहाँ पे नहाने जाते हैं लोग, ठीक है, नहाने जाते हैं. ये हिंदू रिचुअल मतलब ट्रेडिशन होता है. क्या है? महाकुंभ, लिख लो महाकुंभ. ये महा है MAHA कुंभ. ये कहाँ पे होगा? एक तो 2025 के अंदर है, और कहाँ पर होगा? प्रयागराज. स्पेलिंग देख लूँ मैं, प्रयागराज राज. ये कहाँ पर है? सारा का सारा मामला यूपी. ठीक है, यूपी. चलो आगे चलते हैं, यहाँ से हमने यही उठाना था. अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ओकेस ऑफ कोटा अमेंडमेंट बिल. तो छत्तीसगढ़ कैबिनेट ऑन थर्सडे अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ 2 अमेंडमेंट बिल्स एंड आर इंश्योरिंग द रिजर्वेशन फॉर एजुकेशनल एडमिशंस एंड रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट जॉब्स आर प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज इन द स्टेट. इफ पास द बिल्स कुड पेव द वे फॉर 76% रिजर्वेशन, है ना. तो वो कह रहे हैं कि जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन जो है एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बढ़ाएंगे. ये किसने बोला? कैबिनेट ने. अभी इन्होंने बिल लेकर आया, अगर ये पास हो जाता है तो वो कह रहे हैं कि 76% से ऊपर जो है वो रिजर्वेशन चली जाएगी, ठीक है ना. तो देखते हैं क्या होता है, ये चैलेंज होता है नहीं होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है. अभी हमें ये, चलो इसका पॉइंटर हम एक बार नोट कर लेते हैं. है तो बिल ही वैसे, बट अभी लॉ नहीं बना है. जब लॉ बनेगा तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है ही है. देते हैं छत्तीसगढ़, है ना, रिजर्वेशन बिल. ठीक है, इसका पहला पॉइंटर क्या बनेगा? इन्होंने कहाँ पे, ये हम बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन. प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन प्रोपोर्शनल के पूरे स्पेलिंग लिखना ना, प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट इन द स्टेट. ये लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ओके. और ये वो रिजर्वेशन वही जॉब्स के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर प्लस एजुकेशन के अंदर, है ना. इफ पास्ट रिजर्वेशन कितनी चल जाएगी? रिजर्वेशन को अबव 76%, ठीक है ना. तो अभी इन्होंने अभी का भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, ठीक है. बट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि बताओ कौन सी स्टेट ऐसा कोई स्टेप ले रही है या लिया था बिल के फॉर्म में, ठीक है. पंजाब गवर्नमेंट स्टाफ टर्म OPS नोटिफिकेशन एंड आई वॉश. अब यहाँ पे यार ये वाला जो OPS रिजर्वेशन है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. रिजर्वेशन नहीं है ये क्या है? ओल्ड पेंशन सिस्टम. यस, क्या है? ओल्ड पेंशन सिस्टम. तो ये जो सिस्टम था ये बंद कर दिया गया था. तो पेंशन क्या होती है? व्हाट इज पेंशन? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट सेक्शन? पेंशन इज जो आपको आफ्टर रिटायरमेंट मंथली अमाउंट पे किया जाता है. अब मंथली अमाउंट पे करा जाता है, और ये किस में होता है? गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, होता है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होता है. तो पहले ये बंद कर दी गई थी, अब कुछ स्टेट्स ने इसको दोबारा से लागू कर दिया. एंड वन ऑफ द वेरी रीसेंट स्टेट टू डू सो इज पंजाब. कहाँ पर आई है ये? पंजाब के अंदर ये स्कीम दोबारा आ गई है, ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है. अब अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, अपॉन रिटायरमेंट एम्प्लॉयज रिसीव 50% ऑफ देयर लास्ट विड्रॉन बेसिक पे सैलरी. इतना जो होता है ये मिलता है, ठीक है ना. 10 ईयर सर्विस रिक्वायरमेंट मिनिमम, अगर इतना सर्विस आपने दिया तभी आपको पेंशन मिलता है, राइट. तो ये हमने और भी पहले भी हमने डिस्कस करा हुआ है, तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ. बट या इनकेस अगर कोई नया बच्चा आया है और वो चाहता है कि ये डिस्कस करो, तो हम ये संडे की क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. या अगर ओल्ड एज बच्चे ही आ रहे हैं, नया कोई नहीं आया, तो ठीक है. यहाँ पे बहुत ही अलग सा लॉ लेकर आए हैं, कौन? UAE वाले, बहुत ही हंसी वाला. तो अगर आपका मतलब सरनेम नहीं है, ठीक है, अगर मान लो मेरा नाम लॉगिरी है, ठीक है, मेरा नाम सिर्फ लॉ है, गिरी मेरा सरनेम है, ठीक है ना, और मेरा सरनेम नहीं एग्जिस्ट करता है, तो मैं UAE नहीं जा सकती हूँ, कहाँ नहीं जा सकती हूँ? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नहीं जा सकती हूँ. पीपल विद सिंगल नेम ऑन पासपोर्ट इन एडमिसिबल टू यूएई, ये हम लिख लेते हैं, बहुत ही हंसी दायक वो है, विद सिंगल नेम इन पासपोर्ट इनएडमिसिबल यूएई, उनको वापस भेज दिया जाएगा एयरपोर्ट से ही, जाओ नहीं जा सकते, ठीक है ना। अगर तुम्हारा सिंगल नेम है और तुम यूएई जाना चाहते हो तो पहले अपना नाम चेंज करवाओ। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी इज नॉट एन एब्सेंस। अब यार यहाँ पे जलीकट्टू, जलीकट्टू ये दोबारा रिपीटेशन है। जलीकट्टू के बारे में कौन बताएगा मुझे, कौन बता रहा है जलीकट्टू के बारे में? जलीकट्टू क्या है, ठीक है, क्या है जलीकट्टू? जो बफेलो वाली गेम है जिसके अंदर बफेलो के आगे वो मैंने बताया था ना, ये कपड़ा और ये क्या है, ठीक है, तो बफेलो वाली गेम है जिसके अंदर बफेलो को मतलब तंग करते हैं कि आओ हमें मारो, बफेलो के साथ पंगे लिए जाते हैं। तमिलनाडु में होते हैं, तमिलनाडु बिल ले आया जिसके अंदर तमिलनाडु कहता है कि ये जो है हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, इसको चलने दो। अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा कि चलने देना या नहीं। यहाँ पे मतलब ज़्यादा डिटेल में इसने कुछ बताया नहीं हुआ आर्टिकल में, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब यार एक आपको बताना चाहिए, असम और असम और मेघालय में क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गया। असम मेघालय के अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब असम वाले तो कह रहे हैं कि देखो, द असम गवर्नमेंट सेड द इंसिडेंट हैपेंड आफ्टर इट्स फॉरेस्ट गार्ड्स ट्राई टू इंटरसेप्ट ट्रक्स स्मगलिंग इलीगल टिम्बर, व्हेन द ट्रक वाज स्टॉप्ड द फॉरेस्ट पर्सनल वर गिरोड, मतलब प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग द पीस ऑफ वर्क अंटिल डिमांड इज मेट। अच्छा, प्रिवेंट फ्रॉम लीविंग द प्लेस ऑफ वर्क अंटिल डिमांड इज मेट, तो ये वोकैब वर्ड है, ये नोट कर लोगे। तो उन्होंने फॉरेस्ट मतलब वहाँ पे ना मेघालय के अंदर एक तो स्टोन की बहुत ज़्यादा मार्बल माइनिंग होती है और एक टिम्बर बहुत है वहाँ पर, तो कह रहे उसको स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। स्मगल मतलब इलीगली, मतलब टिम्बर काटी कहीं से, परमिशन नहीं लिया, मे बी टैक्सेस नहीं पे करे, जो भी था वो लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, और इसलिए असम का जो गार्ड था उसने चेक करने के लिए रोका, तो ये सब कुछ हो गया। तो अब यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे आज के न्यूज़पेपर में कि होम मिनिस्ट्री ने जो है सीबीआई को ये केस हैंड ओवर कर दिया है, और सीबीआई जो है वो इस केस को देखेगी। यहाँ पे फायरिंग हुई मेघालय और असम के बॉर्डर पे, तो इसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में अगर आपने पहले नोट नहीं किया है तो हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने नोट कर लिया था कि जो मेघालय है, सॉरी गाइज इज नॉट फाइन, मेघालय कार्व्ड आउट ऑफ असम एज एन ऑटोनॉमस रीजन इन 1970 और स्टेटहुड मिला 1972 में। अगर अभी तक नोट नहीं किया तो ये नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद इनका जो बॉर्डर है वो 884.9 किलोमीटर का है मेघालय और असम का, और यहाँ पे इनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट वो 12 सेक्टर्स के अंदर हैं, जिसके अंदर से 6 सेक्टर्स का जो डिस्प्यूट है वो सॉर्ट आउट कर चुके हैं लोग, ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम अपना दूसरा एडिटोरियल देख लेते हैं। इसके अंदर एक स्वीडन के बंदे ने, स्वीडन यूनिवर्सिटी के बंदे ने लिखा है, मुझे ये नहीं समझ में आती, मतलब ये लोग ऐसे ओपिनियंस देते हैं और इनके खुद के कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा सिचुएशंस होती हैं और ये अपने कंट्री के अंदर नहीं उठाते हैं। तो स्वीडन और फिनलैंड, मतलब ही बिलोंग्स टू, आई अज्यूम ही बिलोंग्स टू स्वीडन, और ये इंडिया के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं इस आर्टिकल में। आई वांट टू पिक अप वन थिंग कि स्वीडन इज़ ऑल्सो नॉट क्लीन। आई मीन टर्की ने बोला सरेआम कि भाई कर्डिश जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन ही है कि आप एक टेरर ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हो जो कहीं किसी और देश में जाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं। I think if you don't come with clean hands, if your own country doesn't comes with clean hand, you should criticize your own country first and then you should criticize India. चलिए आगे चलते हैं। Word of advice on OTT and draft telecom bill. तो हम draft telecom bill के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, telecom bill के बारे में। अब telecom bill क्या कह रहा है कि OTT, over the top, पहले तो OTT की full form पता होनी चाहिए, OTT क्या है, over the top। अब over the top के साथ ये क्या करेंगे, क्या होते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, ठीक है, ये क्या है, ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, और भी जितने हैं जो मतलब हम देखते हैं जिनके ऊपर सीरीज एंड ऑल दैट, ठीक है, ये सारे क्या है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, इनको भी विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल लेकर आया जाएगा और इनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा और सब कुछ लेना पड़ेगा, तो ये सारा वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ओटीटी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि बिल है, अभी बिल का मतलब अभी ये लॉ नहीं बना है पर बन सकता है, ठीक है ना। आगे चलेंगे और उसके अंदर क्या करें, ओटीटी को टेलीकम्युनिकेशन बिल के अंदर अगर लेकर आते हैं तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा वर्क करने के लिए, ओके। ओपनिंग स्टांस ये क्या कह रहे हैं, इन व्हाट वुड बी इंडियाज़ फर्स्ट मेजर ट्रेड डील विद द डेवलप्ड इकॉनमी इन ओवर अ डेकेड, the first phase of a pact sealed with Australia in April this year is likely to be operationalized soon, paving easier market access for Indian services and goods. Prime Minister Anthony Albanese, administration that assumed office a little over a month after his predecessor and now leader of opposition Scott Morrison signed the Economic Cooperation and Trade Agreement with India, has steered its ratification through Parliament. Now it is very very important यहाँ पे समझने के लिए, तो ये वाला यार क्योंकि हमने कल कर लिया था तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड आई वॉन्ट टू टेल यू बिकॉज नवंबर आ रहा है, दिसंबर आ जाएगा, जनवरी के अंदर बहुत सारे लोग हमें नया ज्वाइन करेंगे बिकॉज जिनको 2024 के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है या फिर जो लास्ट की 6 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स होती है वो अच्छे से करना चाहते होते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता देना 2023 के जो एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं। तो जनवरी से हम दोबारा से बिल्कुल क्लीन स्लेट से स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर आपको एक एक चीज़ दोबारा से बिल्कुल समझाई जाएगी, राइट। दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट जर्नी दैट वी आर गोइंग टू यू नो टेक टुगेदर। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने क्या किया मेरे बच्चों, बताओ जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है, तो उस पैक्ट को क्या नाम दिया इन्होंने, इस प्यार को क्या नाम दूँ, क्या नाम दिया इसको, ECTA। क्या नाम दिया, ECTA। अब ECTA की फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। क्या करें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना, ये साइन किया इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्या कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने रैटिफाई कर दिया इसको। रैटिफाई का मतलब क्या होगा, रैट छोड़ दिया इसके ऊपर, रैट छोड़ दिया, नहीं, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इनकी पार्लियामेंट ने कहा ठीक है जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं चाहती हूँ कि आप नोट कर लो, वो बहुत ज़रूरी है, ये साइन तो किया गया, साइन किसने किया, साइंड बाय फॉर्मर PM, क्या नाम है उसका, स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन ने साइन किया था ये अग्रीमेंट, ठीक है। और अब प्रेजेंट PM कौन है ऑस्ट्रेलिया का, एंथनी एल्बनीज, ठीक है, ये है, ओके। अब इसके अंदर रैटिफाइड, इसकी मतलब जिसकी वजह से रैटिफाई हुआ वो ये है, साइन हमारा इसके साथ हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है कि किसके साथ, कौन था PM जब साइन हुआ, तो अभी अभी चेंज हुआ है, तो ये रैटिफाई हो गया, तो इससे हमारा मतलब ट्रेड करेंगे हम। और यहाँ पे एक और जो फैक्ट है जो हमें नोट कर लेना चाहिए, कि फर्स्ट डेवलप्ड कंट्री के साथ, फर्स्ट डेवलप्ड कंट्री विद हुम इंडिया हैज साइंड मेजर, इंडिया फर्स्ट मेजर फ्री ट्रेड डील विद द डेवलप्ड इकॉनमी। फर्स्ट डेवलप्ड कंट्री के साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है, ये हम याद रख लेंगे, ओके। कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को। China+1 स्ट्रैटेजी क्या है, तो ये अब मुझे आपको बतानी है। China+1 स्ट्रैटेजी इज कि पहले क्या होता था, प्रोडक्शन जो है सारी की सारी चाइना से हो रही थी, है ना। अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरर को मिलो तो वो कहेगा जी ये डब्बी जो है ये चाइना से बनकर आ रही है, सामान भी उसके अंदर का कहीं और चाइना से बन रहा है, बहुत कम चीज़ें थी जो इंडिया में हो रही थी, राइट, या फिर कोई और कंट्री में हो रही थी। तो मेजर प्रोडक्शन हब वर्ल्ड का क्या बन गया था, चाइना। और फिर क्या आया, C for China और C for COVID, ठीक है ना। अब ये नहीं पता चाइना वालों का अपना क्या एजेंडा था इसके पीछे, खुद गलती से बन गया, बना जो भी है, बट अब ये बेचारे इसमें ही फंस गए, अपने ही चंगुल के अंदर फंस गए। तो अभी कहते हैं कर्मा इज अ डैश, राइट। तो यहाँ पे क्या है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब था, ठीक है, अभी भी है, मतलब कोई इसमें डिनाई नहीं कर सकते। बट अब क्या हुआ, जब कोविड आया तो यहाँ से सबका माल आना बंद हो गया, ठीक है ना। अगर तब आप कोविड के टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने जा रहे थे तो उसके रेट बढ़ गए थे, क्योंकि लोगों को पता था, उनको ये था कि पता नहीं अब दोबारा से कब हमारे पास सामान आएगा, तो जो हमारे पास है हमें इसको ही बहुत अच्छे प्रॉफिट में बेचना है, राइट। बहुत सारी चीज़ों की कमी हो गई थी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही थी, चाइना से लोग सामान नहीं लेना चाह रहे थे, बिकॉज उन्होंने एक गलत चीज़ मैन्युफैक्चर कर दी थी, दैट इज़ कोविड। कोविड का वायरस भी साथ साथ में मैन्युफैक्चर कर दिया, राइट। तो इसलिए अब वर्ल्ड क्या कह रहा है कि हमें China+1 चाहिए। China+1 क्या, एक और चाइना, नहीं, हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक और कंट्री में लगाएंगे। क्या कह रहे हैं हम, क्या लगाएंगे, कहाँ पे, और वो शायद बहुत सारी कंपनीज जो है वो हमें कंसिडर कर रही हैं, मतलब मुझे और तुम्हें नहीं, हमारे देश को, इंडिया को, राइट। तो वो है China+1। अगर आपको ये नहीं पता था तो आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो, ओके। आगे चलेंगे. एज इंडिया पुशेस डॉलर्स अ ईयर फॉर नहीं, एज इंडिया पुशेस टू क्लोज ट्रेड डील्स विद यूके, ईयू, कैनेडा, द वाइन इम्पोर्ट क्लॉजेस विद ऑस्ट्रेलिया दैट इंसिस्ट एन इंडस्ट्री लेवल पार्टनरशिप would also serve as a template for other spills. It is critical to remember that trade deals open new doors but do not automatically mean higher exports or better trade balances, as India's past pacts with ASEAN and Japan have shown. Right? तो इसके अंदर वाइन से related इनके साथ बहुत ही अच्छी हमारी deals हुई हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ. और अभी हम किसके साथ चाहते हैं कि हमारा ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो जाए? एक तो यूके के साथ, एक यू के साथ और कनाडा के साथ. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. अगर आप न्यू हैं, सॉरी फॉर द बर्प, आपको पता होना चाहिए किसके साथ साइन करना चाहते हैं, यूके के साथ, कनाडा के साथ और ईयू के साथ. तो क्या लिखेंगे हम इसको, एक डब्बे में डाल देंगे, ठीक है ना, ट्रेड अग्रीमेंट्स बीइंग क्या, नेगोशिएटेड, ठीक है ना. वो कह रहे हैं कि इतना कर लेते हैं, इंडिया वाले कह रहे हैं नहीं इतना कर लेते हैं. तो ये क्या होती है, नेगोशिएशन, जिसमें बहुत लोग अच्छे होते हैं और बहुत बेकार. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. कैन पुअर कंट्रीज अफोर्ड टू गो ग्रीन? तो COP27 हो चुका है. COP27 में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे तो ये पूछ लें कि कहाँ पर हुआ था, चाहे पूछ लें कोप की फुल फॉर्म क्या है, चाहे पूछ लें इंडिया ने क्या किया, और चाहे पूछ लें कि वहाँ पे कौन सा जो फंड है वो क्रिएट करा गया. कोप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पक्का आएगा, राइट. तो इसको अच्छे से तैयार कर जाना. The 27th United Nations Conference, Climate Change Conference, that is COP27 जो है वो कहाँ पर हुई, शर्म एल शेख इजिप्ट के अंदर हुई. ठीक है, वहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट करा गया. किसके लिए? वल्नरेबल कंट्रीज के लिए. किसके लिए? वल्नरेबल कंट्रीज. नाउ व्हाट आर वल्नरेबल कंट्रीज? कौन सी कंट्रीज हैं वल्नरेबल कंट्रीज? मतलब जहाँ पर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं या यहाँ पर आएंगे ही आएंगे वो कंट्रीज. क्लाइमेट चेंज से क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं? फ्लड्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, ड्रॉट पड़ रहा है, बारिश नहीं पड़ती, सूखा पड़ जाता है, क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं. जहाँ पे क्रॉप बहुत अच्छी होती थी वहाँ गर्मी की वजह से क्रॉप खराब हो रही है, बारिश की वजह से क्रॉप खराब हो रही है, सूखे की वजह से क्रॉप खराब हो रही है. तो बहुत सारी चेंजेस है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट हो रहा है. तो उसके अंदर क्या होगा, जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं वो, उनको डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो कॉम्पनसेट करेंगे. मतलब क्या करेंगी, पैसा देंगी. क्या देंगी? पैसा देंगी. और इससे बहुत कौन खुश है? डेवलपिंग कंट्रीज. और ऑब्वियसली जो लो इनकम कंट्रीज है वो भी इससे खुश होंगी, ठीक है ना. तो आगे चलेंगे. अब इसमें हम, ये आपको पता होना चाहिए कि लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो किसके लिए? वल्नरेबल कंट्रीज के लिए. वल्नरेबल इज द वर्ड. अब चाइना के अंदर राइट्स हो गए. क्यों गए राइट्स? देखो यार, ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं कि चाइना के अंदर है वर्ल्ड की बिगेस्ट फैक्ट्री ऑफ आईफोन, ठीक है ना. Videos on Chinese social media on November 23 showed hundreds of workers protesting and clashing with police at the Foxconn factory in Zhengzhou in central China's Henan province. ठीक है, अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, और अगर ऐड ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पे हमें प्रोविंस का नाम दिया हुआ, दैट इज हेनान. तो अगर नोट्स बनाने तो क्या लिखोगे, वहाँ पे किसकी फैक्ट्री है? फॉक्सकॉन की फैक्ट्री. किसकी है? फॉक्सकॉन की. चलो यहाँ पे ही नोट्स बनाते हैं हम, आ जाओ. चलो, तो यहाँ पे क्या है? फॉक्सकॉन. मैं टाइटल बाद में लिखूंगी. फॉक्सकॉन फैक्ट्री है कहाँ पर, जगह का नाम भी लिख लो, हमने पहले भी याद किया था. ज़ेंज़ू, ठीक है ना. अब यहाँ पे द कॉन्टिन्यूइंग अनरेस्ट एट द प्लांट हैज टर्न्ड. अब यहाँ पे राइट्स क्यों हो रहे हैं? ठीक है, स्टोरी टाइम. यहाँ पे राइट्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोविड के केसेस आ गए. ठीक है, कोविड के केसेस आ गए, कोविड केसेस बहुत ज़्यादा आ गए इस फैक्ट्री के अंदर. तो जो चाइना है वो क्या फॉलो करता है? ज़ीरो कोविड पॉलिसी फॉलो करता है. अब ये ज़ीरो कोविड पॉलिसी क्या है भला? जीरो कोविड पॉलिसी का मतलब जहाँ पर भी थोड़े बहुत केसेस आए वहाँ पे ये एरिया सील कर देते हैं, मतलब लॉकडाउन लगा देते हैं उस एरिया के अंदर. अब यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर आए, लोगों को फैक्ट्री में बंद कर दिया, ना खाना ना पानी ना कुछ और, बंद कर दिया. ठीक है, वहाँ पे ऐसे ही कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उनको लोगों से कुछ लेना नहीं, उनको पैसे से लेना बस. ह्यूमन राइट्स गए थे लेने, बट ह्यूमन राइट्स इनको याद जरूर आते चाइना वालों को. कब आते बेटा चाइना को याद? जब इंडिया में कुछ हो जाता है, तब ये अपनी ओपिनियन पूरी देंगे. नो, अपने टाइम पे नहीं याद आती इनको. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? द कॉन्टिन्यूइंग अनरेस्ट एट द प्लांट हैज टर्न्ड द स्पॉटलाइट ऑन चाइना जीरो कोविड पॉलिसी एंड द इम्पैक्ट ऑन बोथ वर्कर्स कंडीशंस एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स. as the world's second largest economy continues with stringent COVID-19 measures. Zhengzhou based Taiwan's electronics giant. अब हमारे पास यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है, फॉक्सकॉन किसका है? ताइवान का है, ताइवान की कंपनी है, ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स जाइंट है, क्या नाम? कंपनी लिख लेते हैं हम, ठीक है, ताइवान की कंपनी है ये, क्या है? एस्टैब्लिश वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईफोन असेंबली फैसिलिटी. अब देखो मैं मैन्युफैक्चरिंग बोल रही हूँ, ये क्या है ये वर्ल्ड की, लिख लो ये सभी लिखेंगे, वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट, क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट आईफोन क्या है? आईफोन असेंबली फैसिलिटी. ठीक है, ठीक है, क्या है? असेंबली मतलब सब कुछ बनकर आ जाता है और यहाँ पे ये आईफोन इकट्ठा कर देते हैं. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अब तुम्हें पता चल गया चाइना के कहाँ पर है, क्या है, किसकी है, ये सारा पता चल गया. इन्होंने ये बात करी हुई है, चाइना वाला है तो गलती यार, कम से कम उनको खाने को दो, कम से कम उनको मेडिसिन दो, सब कुछ उनका केयर तो करो ना. ऑन नवंबर 2022 रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन. देखो यार अगर तुम्हें नहीं पता रशिया का प्रेसिडेंट कौन है तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये लोग लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ, तो ये बहुत ही फेमस इंसान है, तुम्हें इसका नाम पता होना चाहिए, व्लादिमिर पुतिन. ठीक है, और इसका स्पेलिंग भी याद कर लो, क्योंकि कई बार एग्जामिनर तुम्हारी खिल्ली उड़ाना चाहता है, वो दो ऑप्शन सेम सेम टाइप के दे देता है, स्पेलिंग में चेक कर रहा होता है. आगे चलते हैं. प्रेसिडेंट ओवर द लॉन्च एंड फ्लैग रेजिंग सेरेमनी ऑफ टू न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स एट सेंट पीटर्सबर्ग and said such icebreakers were of strategic importance. अब आइसब्रेकर तुम कहोगे आइसब्रेकर क्यों चाहिए, ले जाओ 3-4 लोग वहाँ पर और तोड़ो आइस, बड़े आसान है. अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं आर्टिक की. आर्टिक के अंदर होती है मोटी परतें बर्फ की, ठीक है, अब उसमें से शिप निकालना, वो शिप को तोड़ सकती है पर वो बर्फ नहीं साइड हटती, तो अब यहाँ पे आइस ब्रेकर है, मतलब ऐसी शिप बनाई गई है. कैसी शिपें बनाई गई हैं बेटा? शिप्स कैसी बनाई गई हैं? ऐसी शिप्स बनाई गई हैं जो आइस को तोड़ सके, और उसको इन्होंने बोला है आइस ब्रेकर. ठीक है ना, तो यहाँ पे इनके पास क्या आ गया? टू न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर्स, मतलब टू न्यू, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स. ठीक है ना, किसके पास आई? रशिया के पास. ठीक है, विन नंबर. ठीक है, तीसरी बात पढ़ लेते हैं हम, और क्या कह रहे हैं, नाम बता रहे हैं उनके. This 173.3 meter long Yakutia, okay, Yakutia, ऐसा नहीं लग रहा याकुल्ट जैसा नाम. ठीक है, with a displacement of this much and can break through 3 meters of ice. The flag was raised on another vessel, Ural, ठीक है, which is expected to become operational in December, while the Yakutia will join services by end of 2024. ठीक है, ये तो दिसंबर join सर्विसेज, वैसे इतना हमें नोट करने की जरूरत नहीं क्योंकि रशिया का है, बट कर लो चलो. ठीक है, 2023, और ये कब तक करेगी? 2024 तक करेगी. ठीक है, और भी नाम बताए हुए, दीज आर देयर आर टू ऑलरेडी सिमिलर वेसल्स इन सर्विस, आर्कटिका एंड सिबिर. मिस्टर पुतिन सेड दैट अ न्यूक्लियर आइस ब्रेकर. अब यहाँ पे ऑलरेडी इन सर्विस कौन से हैं, लिख लो, ऑलरेडी इन सर्विस कौन कौन से हैं रशिया के? पहला हमने पढ़ा कृतिका जैसा नाम, क्या है? कृतिका नहीं, ए आर रहमान, ठीक है, कृतिका, हमारे जैसे नाम नहीं रखते ये, और ही लगते हैं. और क्या? सिबिर, ये ऑलरेडी इनकी सर्विस में है. चौथा क्या है? एक और बना रहे हैं, उसका नाम क्या है? रुसैया हो गाना नाच चलो. 2027 तक आ जाएगी सर्विस में. ये रशिया के आइस ब्रेकर्स हैं. ठीक है, इन द लास्ट 2 decades रशिया हैज रीएक्टिवेटेड सेवरल सोवियत एरा आर्टिक मिलिट्री बेसेस. तो इनके आर्टिक के अंदर मिलिट्री बेसेस हैं, ये बॉर्डर भी शेयर करते हैं आर्टिक के साथ. सिंस 2007 इंडिया हैज एन आर्टिक रिसर्च प्रोग्राम विच एज मैनी एज 13 एक्सपीडिशंस अंडरटेकन टिल डेट. इन मार्च 2022 इंडिया अनवेल्ड इट्स फर्स्ट आर्टिक पॉलिसी टाइटल इंडिया एंड द आर्टिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द 13 ऑब्जर्वर्स इन द आर्टिक काउंसिल, द लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल फोरम प्रोमोटिंग कोऑपरेशन इन आर्टिक. अब यहाँ पे इन्होंने इंडिया से रिलेटेड ज्ञान दिया है, तो ये ज्ञान हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे हम क्या हेडिंग डाल लेंगे? आर्टिक एंड इंडिया. ठीक है, हमारा और हमारे देश का रिश्ता किसके साथ? आर्टिक के साथ. ठीक है, आर्टिक बहुत ही ठंडी जगह है, ऐसे नहीं जाते वहाँ, बहुत सारे कपड़े लेकर जाते हैं, या पलकें भी, आई लैशेज भी जम जाती हैं, जो जिन लोगों की दाढ़ी होती है वो जम जाती है, ठीक है, बहुत ही ठंडी जगह है। तो 2007 के अंदर इंडिया ने क्या किया, 2007 के अंदर इंडिया ने आर्टिक का रिसर्च प्रोग्राम चालू कर दिया। आर्टिक रिसर्च प्रोग्राम ये चालू हो गया इंडिया का, ठीक है। और इंडिया ने अभी तक कितने करें एक्सपेडिशंस, मतलब कितनी बार एक्सप्लोर करने के लिए अपनी टीम भेजी वहाँ पे, 13 एक्सपेडिशंस टिल डेट कर चुके हैं। टिल डेट क्या है हमारा, नवंबर 2022 टिल, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इंडिया की जो 2022 के अंदर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 2022 के अंदर अपनी फर्स्ट, मतलब पहली फर्स्ट आर्टिक पॉलिसी लेकर आई। उसको क्या नाम दिया, उसका नाम क्या रखा, इंडिया एंड आर्टिक काउंसिल। नहीं, आर्टिक, आर्टिक के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे सी आना था, लिखो तुम, बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, बढ़िया है। अब आगे हमें पता चलता है कि एक आर्टिक काउंसिल नाम का ग्रुप है, उसके अंदर ये क्या करते हैं, समोसे वमोसे खाते हैं फुल। आर्टिक की स्पेलिंग मैंने दोबारा गलत लिख दी है, बहुत ही बेशर्मी वाली बात, इससे पहले कोई कमेंट में जलील करे, सही कर दो। द लीडिंग गवर्नमेंट, ये क्या है, लीडिंग गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट है, इंटर गवर्नमेंटल है, सब सारी गवर्नमेंट्स जो भी हैं, इंटर गवर्नमेंटल फोरम क्या करना चाहते हैं, प्रोमोटिंग कोऑपरेशन इन आर्टिक। ये हमने पहले भी पढ़ा था, बट अगर तब तक आपने नहीं ज्वाइन किया था हमें, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द, यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर तुम लास्ट में लिखना है, इंडिया इज़ वन ऑफ द ऑब्जर्वर्स। क्या टोटल कितने ऑब्जर्वर्स हैं, 30 ऑब्जर्वर्स इन टोटल, ठीक है। चलो बहुत ज्ञान हो गया यहाँ से हमारा इकट्ठा, अब आगे ज्ञान इकट्ठा करेंगे। अब यहाँ पे यूएस वालों को ना बहुत आदत है, क्या आदत है यूएस वालों को, कि वो हमें जहाँ पे भी हमें जलील कर सके, मतलब हमारे देश भारत को, वो कभी मौका नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। बट अब इनको ना, अब इनको वापस जवाब देने लग गया हम लोग कि भाई अब 21st सेंचुरी आ गया, तो इंडिया कहता है हम जवाब देंगे। क्रिटिसाइजिंग द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट्स कंपैरिजन of immunity given to Prime Minister Narendra Modi since 2014 to the legal immunity now given to Saudi Crown Prince and PM Mohammed bin Salman, the government on Thursday said the US comments were not relevant, necessary or contextual. अब यहाँ पे यार story time है, तो यहाँ पे ना एक journalist को मारा गया था, कहाँ पे मारा गया था, इस्तांबुल में मारा गया था, टर्की के अंदर, सऊदी अरेबिया की कॉन्सुलेट में, मतलब जो इनकी एम्बेसी होती है सऊदी, हमें समझ लेते हैं, बहुत सारे व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे ये कांड कहाँ पर हुआ, इस्तांबुल में, ठीक है, तो टर्की लिखो, टर्की के अंदर हुआ, इस्तांबुल में, ठीक है। अब टर्की के अंदर ये हुआ, इसकी एम्बेसी थी, इसका कॉन्सुलेट था, रेट का था सऊदी का। अब जमाल खशोगी बंदे का नाम था, क्या जमाल खशोगी, खशोगी जा रहे हैं ऐसे चलते चलते, ये घुस गए दरवाजे से अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे इनको मार दिया गया, खत्म, मर्डर हो गया इनका, ठीक है। तब ये यहाँ पे लास्ट टाइम ये अंदर जाते हुए दिखे थे और उसके बाद कभी दिखे नहीं, ठीक है, मर्डर कर दिया, ठीक है। अब यूएस क्या कहता, पहले यूएस के जो बाइडन आए गुस्से में, जब वोट्स मांगनी थी, ठीक है ना, लोगों से कि हम सऊदी अरेबिया से बात नहीं करेंगे, ऐसे पूरा गुस्से के अंदर जो बाइडन ने, मुझे वोट दो, हम सऊदी अरेबिया से बात नहीं करेंगे, ये वो। फिर क्या हुआ, यूक्रेन रशिया की वॉर लग गई, ठीक है। अब इनको सऊदी से क्या चाहिए था, क्या चाहिए था बताओ, भैया तुम ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दो, ठीक है ना। यूएस के प्रेसिडेंट गए थे, ठीक है, एमबीएस से मिलने, ठीक है, एमबीएस वहाँ का जाना माना मतलब बंदा, ठीक है, उसके पास गए वो, एमबीएस ने पूरा हाथ वाथ मिलाया बिठाया, बट बात नहीं मानी, कहता हम नहीं बढ़ाएंगे ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये कहते कि हम, मतलब ट्रायल स्टार्ट हुआ कि हम देखेंगे कि भैया, और उसके अंदर हाथ किसका है, एमबीएस का। एमबीएस कौन है, वहाँ का पीएम, या पीएम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये तो बताने भूल गई बेटा, पीएम ऑफ सऊदी अरेबिया को क्या कहते हैं प्यार से, एमबीएस। कहा जाता है कि ये जो जर्नलिस्ट मारा गया जमाल खशोगी, ठीक है, खशोगी नाम है यार, आगे वाला नाम थोड़ा गलत हो सकता है मेरा, ठीक है, इसको जे बुलाते हैं हम, तो जे को मारा, जर्नलिस्ट को मारा, ठीक है ना, और एमबीएस का उसमें हाथ था, कहा गया कि इसने ही बोला था कि इसका मर्डर कर दो, है, तो यूएस को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि भाई ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसके ऊपर इन्होंने ट्रायल चलाया इसके ऊपर एमबीएस पे। फिर इन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे तो डॉक्ट्रिन ऑफ कि जो लीडर जो पावर में है, ठीक है ना, जो हेड ऑफ द स्टेट है, लीडर हेड ऑफ द स्टेट है या जो लीडर है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट लगा लो, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते टिल इन पावर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये एमबीएस को इन्होंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये अगर एक्शन लेना चाहते तो ले सकते थे, बट इनको क्या चाहिए बेटा, तेल ऑयल चाहिए, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया से पंगा नहीं लेने का, कि अब इन्होंने मोस्टली जितनी भी ऑयल देने वाली कंट्रीज उनके साथ इनके पंगे चलते, जैसे ईरान हो गया, रशिया हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि हम इसको इम्यूनिटी दे रहे हैं कि भाई क्योंकि ये प्रिंस है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर है सऊदी अरेबिया का, तो हम इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते, यूएस वाले कहते हैं। अब ये एग्जाम्पल देते देते इन्होंने किसका एग्जाम्पल दे दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, जो कि है नरेंद्र मोदी। ये कहते हैं ये इम्यूनिटी हमने नरेंद्र मोदी को भी ग्रांट करी हुई है। तो अगर आपको नहीं पता, तो जब गुजरात के अंदर राइट्स हुए थे तो ये सारा तब क्या था, जब गुजरात के अंदर राइट्स हुए तो कौन था पीएम, वहाँ के सीएम थे नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, एनएम वहाँ के थे। अब एनएम क्या बन गया, अब पीएम बन गए, ठीक है। तो यूएस जब ये राइट्स हुए तो यूएस वालों ने बोला कि हम नरेंद्र मोदी को कभी भी यूएस से नहीं आने देंगे, ठीक है। फिर ये हाथ जोड़ जोड़ के लेके गए, ठीक है ना, क्योंकि इनको भी तो हमारे देश के साथ काम बहुत पड़ता है, यूएस को ऐसा नहीं है काम नहीं पड़ता इनको हमारी कंट्री से, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बट हमने उनको इम्यूनिटी ग्रांट करी हुई है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करी है, दो नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, ठीक है, बट ये अपना एक्शन ले रहे हैं फालतू का। तो हमारी सरकार ने क्या कहा कि जो तुम ये एग्जाम्पल दे रहे हो ना, ये बहुत गलत दे रहे हो। तो क्या बोला हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, ये पढ़ लेते हैं। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑल्सो टुक एम एट द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम for issuing a country update that accused the government of engaging in or tolerating systematic ongoing egregious and religious freedom violation, okay। yeah, mujhe na matlab I am not a BJP Congress kind of person, to be really frank, I am out of it, okay। I am more India centric kind of a person, theek hai। hamare desh mein bahut problems hai, theek hai, hamare prime minister mein bahut problem hai, hamari opposition mein bahut problem hai, sab mein problem hai, but hamare desh mein bahut sari achhi cheeze bhi hai, theek hai। Number 2, अगर अगेन मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है, जब किसी कंट्री के अंदर खुद के अंदर इशू होते हैं ना, और वो तुम्हारी कंट्री को हमारी प्रॉब्लम्स को ग्लोरीफाई करते हैं। इनके गन इश्यूज देख लो भाई, अबॉर्शन लॉज, हमारे अबॉर्शन लॉज बहुत सॉर्टेड है इनके अबॉर्शन लॉज से, हम इनसे मॉडर्न है, हम कहते हैं कि हाँ भाई अबॉर्शन की ज़रूरत पड़ती है, इन लोगों ने तो ख़त्म कर दिए। तो हम बोल रहे हैं उसके ऊपर, हमारा तो कोई ह्यूमन राइट्स वाला नहीं उठा और बोल रहा है यूएस को कि तुम्हारे यहाँ अबॉर्शन लॉज नहीं है। तो यहाँ पे इनको आदत है ज्ञान देने की। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हमारी कंट्री में हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें गलत हैं, बट यार तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, दैट्स माई पॉइंट। मे बी आई ओवर रिएक्ट बट दैट्स हाउ आई एम। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि इन्होंने ये पाप कर दिया है, ठीक है, ये पाप करते हैं, हमें लिखना पड़ता है USCIRF, ठीक है ना। USCIRF इसकी फुल फॉर्म क्या है, US Commission on international religious freedom, ठीक है। सबसे पहले तो ये है क्या, है क्या, ये इज अ यूएस कांग्रेशनल बॉडी, नॉट अ गवर्नमेंट वन, है ना, तो गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, कांग्रेशनल नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बोला, इंडिया को कंट्री अपडेट, इशूइंग अ कंट्री अपडेट दैट अक्यूज, है ना, क्या इशू किया, इशूड कंट्री अपडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर देखना बहुत सारे एडिटोरियल्स में आएंगे, फिर हर कोई अपना ज्ञान देगा, कोई बोलेगा सही है गलत है, ठीक है, बट हमें याद रखना है क्या बोला इन्होंने, accused the government of engaging in and tolerating systematic ongoing and egregious religious freedom violations, ठीक है। accused लिख लो यहाँ पे, government of allowing religious freedom violation। चलो मतलब ये ऐसे ही करते रहते हैं, पंगे लेते हैं। जो ये देखो जमाल खशोगी, अरे मैंने नाम से ही बताया था यार, जमाल बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन सऊदी प्रिंस MBS, ठीक है ना, उनको ये दे दी है, इम्यूनिटी दे दी है इस वाले केस के अंदर, वो याद रखना है, ठीक है। हमने पहले वैसे नोट किया हुआ है, नहीं तो ये वाला तुम सारा नोट कर लो, जर्नलिस्ट का नाम, ये प्रिंस का नाम, और इसके अंदर क्या लिखना है, इम्यूनिटी, ठीक है। क्यों दिया इम्यूनिटी? बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, राइट, लीडर ऑफ द कंट्री, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अंदर यार और भी चीज़ें हैं, चलो ये सारी, ये क्लाट वाले बच्चे नोट करेंगे कि और किस किस को इम्यूनिटी मिली है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओनली क्लाट, कौन से क्लाट, ठीक है। क्लाट वाले पूछते हैं ना कुछ उल्टे पुलटे क्वेश्चन, उनको मज़ा आता है, ठीक है। वो कहते हैं हम लॉयर उसके बनाएंगे जो उल्टे क्वेश्चन का आंसर देगा। CBI विल प्रोब बॉर्डर फायरिंग, शाह श्योर्स मेघालय, अरे यहाँ पे पढ़ लिया हमने, ठीक है। कौन करेगा, CBI लिख करेगा, ये हमने ऊपर अगर नोट्स बनाया हुआ ना आपने तो लिख लो, नहीं तो वन लाइन में लिख लो, CBI probe in Assam, Meghalaya, क्या फायरिंग, ठीक है। चलें आगे, चलिए अब यहाँ पे चबाहर पोर्ट, तो चबाहर पोर्ट क्या है, चबाहर पोर्ट की इम्पोर्टेंस मुझे कौन बनाएगा इन द चार्ट सेक्शन एवरीबॉडी, कोई है भी है या सब भाग गए, मुझे चार्ट से ही दिखती, मतलब आज को बोल ही नहीं रहा चार्ट में। चबाहर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान को बाहर फेंक निकालता है, और फिर मतलब पाकिस्तान से होकर नहीं जाना पड़ेगा अगर हमें अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करनी है, ठीक है। ये रास्ता हमारा ईरान से होते हुए ये सब जाता है, तो इसलिए चबाहर पोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें याद रखना है तेहरान, मतलब ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर कौन है, नाम नोट करेंगे हम, जल्दी से नाम नोट करो, ये लो, ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर कौन है, अली बघेरी कानी, ठीक है। अरे यार तुमने वो देखा मोगली, वहाँ पे बघीरा होता है ना, ये लोग मारेंगे मुझे ईरान वाले भी, बघीरा पता है तुम्हें कौन होता है, अरे यार जो मोगली का बहुत पक्के वाला दोस्त होता है, ठीक है, बघीरा से याद कर सकते हो, बघेरी, ये बघीरा था वो, ये बघेरी है, अली बघेरी कानी, ठीक है ना, ओके। हु, एक मिनट रुको, हाँ अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम लिख लेंगे चबाहर पोर्ट, कौन सा पोर्ट, चबाहर, ये भी नोट करना है, चलो नोट करो, चबाहर यहाँ पे, अब मैं चीज़ें लिखवा रही हूँ तुम्हें, वो लिख लो, यहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न, यहाँ पे साउथ ईस्टर्न ईरान, इन द गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, ईरान के अंदर है, यहाँ पर है ईरान में। नंबर 2 क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, गेटवे कंसिडर करा जाता है, गेटवे फॉर ट्रेड बाय इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है, हमें पाकिस्तान के आगे नहीं हाथ जोड़ने पड़ते, हम सीधा, हमारी कनेक्टिविटी बनती है, हम ईरान जाते हैं और हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी बन जाती है, तो इसलिए हमारे लिए ये पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको शाहिद बिश्तेती टर्मिनल, यहाँ पे कौन सा टर्मिनल, 3rd पॉइंट लिखो, शाहिद, शाहिद कपूर से याद हो जाएगा, शाहिद कपूर, शाहिद बेहस्ती, बेहस्ती, ठीक है। 4था पॉइंट क्या याद रखेंगे हम, फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर क्या नाम है, लिख लो जल्दी से, अली बघेरी कानी, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा, ईरान का जो सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामेनी है उनके बिल्कुल करीबी थे ये, हैं मतलब अभी। कैन मेक प्रो फार्मर चेंजेस टू क्रॉप चेंजेस, अब यार यहाँ पे ये जो नाम है लिख लेती हूँ मैं, नहीं क्यों मैं ऐसे क्यों करती हूँ कि पहले मैं नाम लिखती हूँ तो मुझे याद आता है कि अरे नहीं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अली बघेरी कानी। अब इनके नाम पे बहुत ज़्यादा पोस्ट्स हैं, ये जो हमारे नहीं ईरान वालों के, ठीक है। एक तो ये है डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, क्या है, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, और क्या क्या पोस्ट है इनके नाम पर, पोस्टें बहुत ज़्यादा पोस्ट है इनके नाम पर, ठीक है। ये क्या रह चुके नेगोशिएशन पार्ट ऑफ द ईरान हैंडल्स ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशंस, लिख लो, हैंडल्स ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशन। अब तुम कहोगे इनको क्या अनबड़ी नेगोशिएशन करने की, यार ये ना न्यूक्लियर बना रहे हैं, ठीक है, ये तो कहते हैं हम एनर्जी के लिए बना रहे हैं, पर पूरे वर्ल्ड को लग रहा है कि कहीं ये बम बना के ना बैठ जाए, एंड इज कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ रूलिंग एलीट ऑफ द ईरानियन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, नेगोशिएशन भी हैंडल करते हैं, न्यूक्लियर नेगोशिएशन ईरान के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ये करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लीडर। ठीक है, अब आगे चलेंगे यहाँ पर कैन मेक प्रो फार्मर चेंजेस टू क्रॉप स्कीम। तो अब यहाँ पर कौन सी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले स्कीम का नाम लिख लें प्रधानमंत्री, कौन से मंत्री, प्रधानमंत्री फसल, फसल माने क्रॉप, बीमा मतलब क्या होता है, बीमा मतलब इंश्योरेंस। बीमा कब काम आता है, कुछ गलत गलत हो गया जो नहीं होना चाहिए था उसमें कॉम्पनसेशन मिल जाती है। ठीक है, अब ये क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये योजना क्या है, अब इसके अंदर सबसे पहले क्यों न्यूज़ में आया, वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है सेंटर से कैन मेक क्या चेंजेस, प्रो फार्मर चेंजेस। प्रो फार्मर मतलब इन फेवर ऑफ फार्मर चेंजेस, क्या लिखेंगे, इन फेवर ऑफ फार्मर चेंजेस, है ना, ये वाली चेंजेस हम कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्कीम क्या है बताओ जी ना, मैं स्कीम नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, चलो यहाँ पे लिखी होगी मैंने स्कीम, कहाँ गई स्कीम, ऐसा तो नहीं हो सकता, this replaced by launch in 2016 has been administered by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, यही है, it replaced the National Agriculture Insurance Scheme and modified National Agriculture Insurance Scheme, farmers including sharecroppers and tenant farmers growing notified crops in the notified areas are eligible for coverage, ठीक है, provide insurance coverage and financial support to the farmers in the event of failure। तो ये क्या करते हैं, ठीक है ना, insurance coverage notified crops के लिए, notified crops नोटिफाइड एरियाज में अगर फार्मर्स की क्रॉप्स फेल हो जाएं, ठीक है, तो ये कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस कवरेज इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। अब तुम कहोगे ये इंश्योरेंस क्या होती है, क्या मिलता है इसमें, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, एक तरह से अश्योरेंस, इंश्योरेंस इज अश्योरेंस कि भाई अगर तुम्हारी, मैंने चावल लगाए, मैंने पैडी लगाई, ठीक है ना, अब पैडी की कुछ वजह से पैडी नहीं होगी, ठीक है, अब पैडी नहीं होगी, भाई मेरा तो नुकसान हो गया, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम तुम्हें पैसे देंगे अगर तुम्हारी फसल नहीं सही से होगी या कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई, ठीक है, तो उसमें पैसे मिलते हैं, मुझे कॉम्पनसेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि हम चेंजेस कर देंगे, सेंटर सेज कैन मेक प्रो फार्मर चेंजेस। ठीक है, समझ में आ गया ये क्या है, किसी को कोई दिक्कत चार्ट सेक्शन में पूछ लो। RTI portal of Supreme Court launched। RTI क्या होता है, right to information। The Supreme Court on Thursday launched its right to information portal to help people access information about the Supreme Court। The announcement about the portal through which people can file RTI application online was made by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud in his courtroom before his bench began work for the day। ठीक है ना, इससे पहले कि वो अपना केसेस सुनने स्टार्ट करते हैं, उन्होंने क्या किया, ये लॉन्च कर दिया। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट क्या लॉन्च किया, RTI पोर्टल टू हेल्प पीपल, RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन पोर्टल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या करेगा ये, लोग क्या कर सकते हैं, इन्फो अबाउट द हेल्प पीपल गेट इन्फो अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये क्या है, ऑनलाइन है, ये फैसिलिटी, ऑनलाइन फैसिलिटी, बढ़िया। ठीक है, इसको कोई नाम वाम नहीं दिया, ये नाम है बेचारी। रीराइट हिस्ट्री अफ्रेश नॉट जस्ट कंप्लेन दैट इज। अब यहाँ पे क्या है, दोबारा से हिस्ट्री लिखेंगे क्या, फिर हमें स्ट्रैटेजी की चेंज करनी पड़ेगी, नो ऐसा मत करना। चलो आगे। Mr. Shah was speaking at the 400th birth anniversary celebration of the 17th century Ahom army general Lachit Borphukan। Had it not been for the Borphukan, the northeastern east would not have been part of India। ये बोला होम मिनिस्टर ने, क्यों बोला भाई, इसको हरा दिया था इन्होंने, पढ़ लेते हैं। Mr. Shah said Muslim invaders had tried to attack the Ahom dynasty many times, but noted that the battle of Sarai Ghat, in which Aurangzeb was defeated by Borphukan। ठीक है ना, औरंगजेब को किसने हरा दिया था, इसने बोरफुकान ने, ठीक है ना, बोर कर दिया उसने औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब बोर होकर चला गया, कहता नो एंटरटेनमेंट। दिस इज वाई दिस रीजन हैज द रिचेस्ट कल्चरल हेरिटेज आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय अ रिलेटिवली स्मॉलर आर्मी ऑफ अहोम रूलर्स इन असम इन 1671। द फॉरेन इन्वेडर्स फ्रॉम दिल्ली could never gather the courage to invade Assam again। तो यहाँ पे 1671 में 71 अहोम डायनेस्टी है ना, अहोम रूलर्स है, डायनेस्टी नहीं है, ठीक है, अहोम रूलर्स। ये पता नहीं यार डब्बा कैसे बन जाता है। अहोम रूलर्स डिफीटेड औरंगजेब इन कौन सी बैटल ऑफ सराय घाट, क्या ना। और इसके अंदर कौन थे इनके लीडर, कौन थे क्या ना। 400 अभी क्या हुआ इनका 400 एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 17th century अहोम आर्मी जनरल लचित बोरखान, क्या इन्होंने किया था। तब ये बैटल में इनका हाथ था। तो हम क्या लिखेंगे, हेडिंग तो दी नहीं, लिख लो असम रूलर्स दिल्ली, ठीक है। तो उसके बाद नहीं कोई आया इनसे, पंगा नहीं लिया किसी ने भी। कहते नहीं असम वालों से नहीं पंगा लेना, ये बहुत मारते हैं, ढूंढ के मारते हैं। अब यहाँ पे क्या सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया इस बार, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। कौन सा मिलेट्स, बहुत ही हेल्दी होते हैं पता है, खाने चाहिए। मैंने भी मिलेट की रोटी खानी स्टार्ट करी अभी, ठीक है। आटा खाना बंद कर दिया मैंने, डॉक्टर ने मना कर दिया मुझे, पता नहीं कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। बट एक नुकसान बहुत है, ये जो खाना है बहुत ही जल्दी हजम होता है। मतलब मैं खाना खाती हूँ और वो हजम भी हो जाता है, और फिर मुझे कुछ और चाहिए होता है खाने को। आई डोंट नो ये मुझे पतला करेगा या मोटा करेगा, बिकॉज मुझे हर बार भूख लगती है। In one of the pre-launch celebration programs of the International Year of Millets 2023 in New Delhi on Thursday, the Agriculture Minister reached out to representatives of various countries in India to promote promote millets internationally. Both External Affairs Minister and Union Agriculture Minister addressed the event and urged for global focus on millets for its nutritional and health value. ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, promote कर रहे हैं, promoting मिलेट्स इन दी वर्ल्ड, पूरी कंट्रीज में इसकी वैल्यू समझा रहे हैं, ठीक है। Mr. Tomar said the International Year of Millets 2023 would provide an opportunity to globally promote millets as nutritional cereals. क्या है ये, बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही हाई है ना, न्यूट्रिशियस है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। मिलेट की रोटी खाया करो, पूरा बनता है इसका ना। Added that the ministry was working in a mission mode to increase production and consumption. क्या कर रहे थे, मिशन to increase production and consumption. और मेरे ख्याल से ये पानी भी कम लेती है, मतलब इसको ग्रो करना इज ईजियर, ये चेक कर लेना जहाँ तक मैंने पढ़ा। कैंपेन अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम टुडे, कौन कर रहा है ये, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री विल ऑन फ्राइडे बिगिन अ मंथ लॉन्ग नेशनल वाइड कम्युनिटी लेड कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. The campaign will target rural women and be undertaken through the self-help groups registered with the government. Over the years, violence against women has been normalized, especially within the home. The campaign is aimed at changing this perspective. Our aim will be to raise awareness that the victims first take cognizance of the crime committed against them, speak up and seek help. Yes, this is important. तो ये क्यों लेकर आ रही है campaign, कि women को समझाएं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है आप उसकी complaint फाइल करो, राइट। आपको उनको इन्फॉर्म करना, क्या उनकी जो राइट्स हैं उसके बारे में, इसके बारे में इन्फॉर्म करना, उनकी राइट्स के बारे में। यार हम तुम मुझे सुन भी पा रहे हो या नहीं, क्योंकि मैं देख ही नहीं, मतलब कोई स्टार्ट ही नहीं कर रहा है, या फिर तुम इतने मगन हो गए हो नोट्स बनाने में कि तुम वो नहीं कर रहे हो। कैंपेन अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अब ठीक है लिख लेते हैं, एक मिनट, कैंपेन against gender discrimination. अब यहाँ से जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है, वो ये बन सकता है सबसे पहले कौन कर रहा है ये, क्या ना। तो हम लिख लेंगे बाय यूनियन रूरल, क्या है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होगी, गांवों में, क्योंकि रूरल है, क्या रूरल बाय ये करेंगे, क्या करेंगे इसके अंदर ये नेशन वाइड है, 1 मंथ लॉन्ग का कैंपेन है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इंफॉर्म करेंगे। क्या एम है इनका? चेंजिंग दिस पर्सपेक्टिव, एम इज़ टू रेज अवेयरनेस। अब यहाँ पे हमें एम लिखने को मिल जाएगा, एम इज़ टू रेज अवेयरनेस। ठीक है, और क्या करना? फर्स्ट रिपोर्ट द क्राइम, ठीक है ना, रिपोर्ट क्राइम, सीक अप, सीक हेल्प। ये बताएंगे कि भैया अगर तुम्हारा पति तुम्हें मार रहा है ना, तुम भी उसको पीटो पकड़ के। यार ये बड़े गलत गलत आते हैं जो मारने वाले होते हैं, जो पति पीटता है। मैं तो मतलब मैंने बहुत लोगों को बोला तुम बैट लो, मतलब मैं सच बता रही हूँ। पता है क्या हुआ था? ये स्टोरी सुनने वाली है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वो एक लेडी थी, उसका हस्बैंड हर रोज़ ड्रिंक करता था, हर रोज़ वो ड्रिंक करता था। रात को उसकी बीवी उसका 1 बजे तक वेट करती थी एंड उसको खाना देती, सब कुछ देती थी। जब वो खाना खा लेता था पति, तो उसको वो बैट से मारता था, हर रोज़, एवरी डे। एंड एक दिन वो लेडी मेरे पास आई एंड शी टोल्ड मी कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा करता है। एंड बहुत ही अच्छे घर का मतलब वो था। मैंने उसको बोला कि या तो यू नो वी कैन टेक एक्शन, ये सब कुछ हो सकता है। तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, पता नहीं उसको एक सर बैठे थे, उन्होंने बोला अरे तू उठा कर उसके, विच इज़ आई थिंक, मतलब अगर हम यू नो एज एन लॉ फॉलो करें तो इट इज़ रॉन्ग। उसने क्या किया, एक दिन उसने बैट उठा के अपने पति को पीट दिया। तो रूम बंद किया, अपने पति को बैट उठा के, जिस बैट से वो पीटता था, उसको अराउंड 2.5 ईयर से पीटता आ रहा था, एक दिन उसने पीट दिया। ठीक है, उस दिन के बाद उसके पति ने उसको नहीं पीटा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट यू शुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है ना, इफ़ यू बीटिंग इज, आई एम नॉट सेइंग डू दिस, बट नेवर सिट साइलेंट इफ समवन इज डूइंग रॉन्ग विद यू। ऑलवेज स्पीक अप, ओके। अगर तुम दबोगे ना तो वो और दबाएंगे तुम्हें, और अगर तुम बोलोगे ना, अरे इसके भी मतलब लगा हुआ है मुँह। The Civil Aviation Ministry has notified the draft aircraft security rules 2022. अब यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि भैया कौन सी मिनिस्ट्री ने करें। तो क्या आया? ड्राफ्ट का मतलब ये फाइनल नहीं हुआ है, अभी देखेंगे कि अगर इसके अंदर कुछ चेंज करना है या नहीं करना। इसको लॉ बनाने से पहले क्या आया? एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स, जो कि बहुत ज़रूरी थे, बिकॉज आजकल हम न्यूज़पेपर में कितना पढ़ रहे हैं ना कि इस इंजन को आग लग गई, किसी का विंडो नहीं होता है एयरक्राफ्ट का, बहुत कुछ सुन रहे हैं। तो कौन लेकर आया ये रूल्स? ये रूल्स लेकर आई है हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के, बाय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के। क्यों लेकर आए? अब यार ये इट इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, एविएशन, एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी, ठीक है, विच एनेबल द एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी टू इम्पोज पेनल्टीज अप टू 1 करोड़ in airport, on airports and airlines for violation of security measures. Now this is very important. किसको पावर दे रहे हैं ये? ब्यूरो ऑफ सिविल, ठीक है ना, सिक्योरिटी एविएशन। अब यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एविएशन का सिक्योरिटी रेगुलेटर कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन, और ये क्लैट वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बाकी सब भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मत समझो कि क्लैट वालों का क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आएगा, उनके में आता है, सबके में आ सकता है। बट जो मैं स्पेसिफिकली फॉर क्लैट कहती हूँ वो स्पेसिफिकली होता है, बिकॉज उनके में डिटेल ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के सिक्योरिटी, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, क्या कहते हैं इसको? आजा भैया ना, ये नहीं आता, बकवास। सॉरी गाइज, मेरे मजाक को मजाक ही समझा करो, सीरियस मत लिया करो। ठीक है, इम्पोज, अब ये क्या कर सकते हैं? ये कर सकता है, इसका पॉइंट छोड़ो, इम्पोज पेनल्टी ने रखी 50 करोड़ तक, अप टू 1 करोड़ ना, तो बहुत कम होता है ये एयरलाइन वाला, 1 करोड़। ठीक है, ऑन एयरपोर्ट्स, किस किस पे लगा सकते हैं ये? ऑन एयरपोर्ट्स एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरपोर्ट्स पे भी लगा सकते हैं और एयरलाइंस पे भी लगा सकते हैं। एंड एयरलाइंस, ये ऐसी कैपिटल में लिखा करो, एयरलाइंस पे, इंडिगो वाले पे भी लगा सकते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए? फॉर वायलेशन ऑफ, और वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है भैया, समझ में आ गया भैया या नहीं आया? ठीक है, ओके। ओटीटी पे प्रॉपर नोट्स चाहिए, फिर मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी इकट्ठी करके कल लेके आऊँगी, क्योंकि अभी जो हम टेलीकॉम वाला पढ़ रहे थे उसके अंदर पूरे के पूरे नोट्स अवेलेबल नहीं है टेलीकॉम बिल से रिलेटेड। Once the draft rules are finalized, the banks can impose a fine of ₹50 lakh to 1 crore. ये हमने पढ़ लिया सिक्योरिटी पे जो भी है. The amendment in Parliament was, अब ये क्यों चाहिए थी? अब तुम कहोगे क्या अनपढ़ी इनको बैठे बिठाए. The amendment in Parliament was required after the United Nations Aviation Watchdog, International Civil Aviation Organization, raised questions about 3 regulators functioning without statutory powers. Statutory क्या होता है? Who is going to tell me? कॉन्सेप्ट है ये. स्टैच्यू का मतलब क्या होता है? स्टैच्यूटरी का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? स्टैच्यूटरी का मतलब क्या होता है? स्टैच्यू का, ये स्टैच्यूटरी वर्ड टेकन फ्रॉम स्टैच्यू. ठीक है, स्टैच्यू का मतलब क्या होता है? लॉ. ठीक है ना, स्टैच्यूटरी पावर के बना मतलब कोई लॉ जो है, कोई लॉ जो है, लॉ LAW वाला, उसने लॉ लिख दिया वाला पेन भी ना कुछ भी लिखता है, लॉ जो है. ठीक है ना, मतलब लॉ कोई भी एक्ट कोई पावर नहीं दे रहा इनको. इसलिए किसने बोला? तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए था. हम लिखेंगे अब यहाँ से वाई, वाई क्यों लेकर आए ना, व्हाट वाज द नीड लिख दो, यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा हमें. व्हाट वाज द नीड, क्यों नीड थी? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एविएशन वॉचडॉग, क्या नाम है इनका? इंटरनेशनल सिविल एविएशन, सिविल एविएशन वॉचडॉग. अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? मैं यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है पेपर में, भाई यूनाइटेड नेशंस का एविएशन का वॉचडॉग कौन है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन वॉचडॉग है. ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें पता होनी चाहिए, उन्होंने क्या कहा था? रेज्ड क्वेश्चंस. क्या क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, क्या सवाल किए उन्होंने हमसे, कि जो हमारे 3 रेगुलेटर्स हैं, 3 रेगुलेटर्स फंक्शनिंग विदाउट स्टैट्यूटरी पावर्स. अब ये स्टैट्यूटरी पावर्स क्यों चाहिए? भाई लॉ ही नहीं है, बस ऐसे ही काम कर रहे हैं, एक्शन कैसे लेंगे अगर लॉ पावर नहीं देगा? समझ रहे हो तुम्हें? समझ रहे हो ना, ताकत नहीं है इनके पास, इसलिए लेकर आएंगे. चलो आगे चलते हैं. यहाँ पर रशिया में क्या हो गया? रशिया के अंदर रशियन लॉ मेकर्स ऑन थर्सडे गेव देयर फाइनल अप्रूवल टू अ बिल दैट सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्टिविटी सीन एज प्रमोटिंग गे राइट्स. द न्यू बिल आउटलॉज ऑल एडवर्टाइजिंग, मीडिया एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज, बुक्स, फिल्म्स एंड थिएटर प्रोडक्शंस डीम्ड टू कंटेन प्रोपेगेंडा ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सेक्शुअल रिलेशंस. ठीक है ना, वो कहते हैं जहाँ पर भी गे और लेस्बियन, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे मूवी आई थी ना वो प्रियंका चोपड़ा की, जॉन इब्राहिम की और अभिषेक बच्चन की, वो कहाँ पे नहीं चल सकती? रशिया के अंदर. क्यों? क्योंकि उसके अंदर गे थे ना वो दोनों, याद है तुम्हें? गे ही थे ना? नहीं नहीं यार, वो एक्ट कर रहे थे बीइंग अ गे, कुछ ऐसा सा वो दिखा नहीं सकते बेसिकली. तो रशिया के अंदर क्या आ गया? रशियन डूमा गिव्स LGBTQ प्रोपेगेंडा बिल. हम लिखेंगे इसको रशियन डूमा, पार्लियामेंट होगी इसमें, डूमा. रशिया गिव्स LGBTQ, क्या दे दिया इनको? प्रोपेगेंडा बिल. लिखने दे यार, अप्रूवल. अब ये बिल के अंदर क्या हो रहा है? ठीक है, ये भी तो लिखना पड़ेगा, क्या प्रोपेगेंडा, क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्टिविटीज, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्टिविटी प्रमोटिंग गे राइट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है, मीडिया के अंदर कोई मीडिया, ऑनलाइन रिसोर्सेज, बुक्स, फिल्म्स, ऐसा कुछ एक्सेट्रा. ये क्या है? डब्बा बना के रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, चलो. UN's International Day for Elimination of Violence, ठीक है, UN's International Day for Elimination of Violence Against Women, ये सेलिब्रेट हो रहा है, ये डे का आप नाम लिख सकते हो. पाकिस्तान के नए एयर सॉरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज़ नेम्ड द कंट्रीज फॉर्मर स्पाई चीफ एज हेड ऑफ मिलिट्री, द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सेड ऑन थर्सडे, एंडिंग मंथ्स ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट द न्यू अपॉइंटमेंट. लेफ्टिनेंट जनरल सैयद असीम मुनीर रिप्लेसेस, तो ये क्या बन गया यहाँ कर? सेड मिलिट्री Chief as head of the military. Okay. हेड ऑफ मिलिट्री कौन है? पाकिस्तान हेड ऑफ मिलिट्री, ये इम्पोर्टेंट है। कौन है, क्या नाम है इनका? लेफ्टिनेंट जनरल सैयद असीम मुनीर, इसका पूरा नाम लिखना है। अरे यार एक तो ये नहीं लिखना है, असीम मुनीर। ये क्या थे, पहले क्या थे? ये पाए हुआ करते थे, पाए मतलब जैसे हमारे अजीत डोवाल साहब हैं, पाए चीफ थे अर्लियर, पाए चीफ। पाए मतलब ढूंढना यार, पता वो यार तुमने वो नहीं देखी थी टाइगर, एक था टाइगर, कौन सी मूवी थी वो? सलमान और कैटरीना कैफ थी, उसके अंदर वो स्पाई थे ना, पता नहीं तुम हो कौन, बट फिर इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं एक दूसरे के देश, वो सब करते। नो ऑयल गैस टू दोज सपोर्टिंग प्राइस कैप। अब प्राइस कैप का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, G7 तो प्राइस कैप के नोट्स बनाएंगे, बहुत दिन हो गए इसके नोट्स नहीं बनाए। तो प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल, ये क्या है, प्राइस कैप क्या है? तो प्राइस कैप का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो प्राइस कैप कौन लगा रहा है? बाय G7। G7 कौन है? ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है ये, तो ज़्यादा पैसा वाला है। ठीक है, ये है, इन्होंने डिसाइड कर किया रशियन ऑयल के ऊपर कैप, मतलब कि अगर द G7 इज लुकिंग ऑन अ कैप ऑन रशियन सीबॉर्न ऑयल। ठीक है, किसके ऊपर लगा रहे हैं? रशियन, तो सी से आ रहा है ऑयल, बॉर्न ऑयल शिप से आ रहा है। ठीक है, कितना? अब एट 55 to $75 डॉलर पर बैरल, इतना। अब ये क्या मतलब है इसका समझना पड़ेगा, सारी अटेंशन मेरी बातों पर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो यार, अगर रशिया जो है अपना ऑयल इससे ज़्यादा का बेचेगा, 65 to $75 डॉलर बैरल से ज़्यादा का बेचेगा, तो जो हमारी G7 की जो कंपनीज हैं वो इसको हेल्प कर रही हैं, जो G7 की कंपनीज रशिया को हेल्प कर रही हैं ये ऑयल शिप के थ्रू लेकर आने में, इंश्योरेंस होती है, बहुत कुछ होता है, कंपनीज इन्वॉल्व है इसमें, वो हेल्प नहीं करेंगी। ठीक है, अगर रशिया इससे कम, इससे ज़्यादा में ऑयल बेचेगा, समझ में आ गया प्राइस कैप क्या, कि इससे ज़्यादा में अगर रशिया ऑयल बेचेगा तो हमारी कंपनीज हेल्प नहीं करेगी एंड हम खरीदेंगे भी नहीं। Russia does not plan to supply oil, and gas to countries supporting a price cap on Russian oil. Russia क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें तेल ही नहीं दूंगा, कर लो जो करना है। Russia उससे मास्टर है। Anwar Ibrahim sworn in as Prime Minister of Malaysia. अब ये नए Prime Minister आए तो हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल Prime Minister of Malaysia. अरे बाप रे, मलेशिया, क्या नाम है इनका? लिखेंगे साथ में अनवर इब्राहिम, अनवर इब्राहिम, बस यही है, बहुत ही छोटा नाम है, ये तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ, क्या हुआ ये पढ़ लेते हैं। द सेरेमनी एट द नेशनल पैलेस क्लोज द चैप्टर ऑन वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक इलेक्शंस इन मलेशिया हिस्ट्री आफ्टर नो पार्टी मैनेज टू सिक्योर अ मेजोरिटी। पहली बार क्या हुआ, पहले तो इनका नाम, उसके बाद दूसरा नो पार्टी was able to secure majority। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हम क्यों नोट करें, तुम लोग नहीं करा तो नहीं करा, तुम्हें क्या उससे, हमें ये, क्योंकि ये पहली बार हुआ वहाँ पर। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस इन 1957 हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस। कब इनको मिली थी आज़ादी 1957। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ से तो हमने ज्ञान बटोर लिया अपना ज्ञान, अब आगे से ज्ञान बटोरेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब यार यहाँ पे ना तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वन लव, ये गाना सुना है? हमारे टाइम पे ना ये गाना जिसको आता था उसके, अरे इसको बहुत अंग्रेजी आती, ये वन लव वाला गाना गा। ठीक है, क्योंकि पहली बार बॉलीवुड की मूवी में किसी ने इतनी ज़्यादा अंग्रेजी वाला गाना बनाया था, सब रट के बैठे थे उसको। पेपर आता ना तो वन लव का सारा आता था, अभिषेक बच्चन की मूवी का गाना था ये। बेल्जियम्स फॉरेन मिनिस्टर हर्जा लहबीब, क्या बहुत ही सही नाम है यार, तुम्हें याद कराती, मज़ा आएगा। चलो, तब ऐसी न्यूज़ हो तो मज़ा आता है। क्या था बेल्जियम की, कौन है बेल्जियम की फॉरेन मिनिस्टर, नाम क्या इनका? हटजा अरे यार तुमने वो हरियाणवी गाना नहीं सुना है? हर मूवी में तो हर या दिल्ली में हर शादी में बजता है वो, पर रात को, देर रात को, लहबीब हट जा लहबीब, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, वन लव आर्म बैंड डाला, क्या डाला, वन लव आर्म बैंड डाला, ठीक है, कौन से मैच में, ठीक है, और वर्ल्ड कप मैच देखने आ गई ना, फीफा वर्ल्ड कप मैच, ठीक है, ये तो इन्होंने करा। अब ये है क्या वन लव आर्म बैंड, तुम कहोगे इतना ज़्यादा सुन लिया, इसके बारे में बताओ तो सही, ये कार्यक्रम है क्या। तो ये वन लव जो बैंड है ये इसलिए डाल रहे हैं कि भाई देखो वहाँ पर कतर के अंदर ना, जहाँ पे फीफा हो रहा है, वहाँ पे वो The decision to wear the armband was taken as a mark of protest against the same-sex relationship laws prevailing in Qatar. क्या है ना, ये पूरा का पूरा रोट लेंगे, decision to wear, अच्छा, to wear the armband was taken as a mark of protest against the same-sex relationship laws in Qatar. ठीक है, कतर में फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, होमोसेक्सुअलिटी इज इलीगल। अरे भाई उन्होंने वहाँ पे कट स्लीव डालने से मना कर दिया है, ठीक है, और बियर पीने से मना कर दिया, और तुम कह रहे हो LGBTQ राइट्स लाएंगे वो। बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ज़्यादा उम्मीद करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। अब ये जो बेल्जियम की फॉरेन मिनिस्टर थी, समझ लेते हैं, बेल्जियम की फॉरेन मिनिस्टर थी, वो ये वन लव आर्मबैंड डालकर वहाँ पे पहुँच गई ना, तो उसको क्या बोलेगा फीफा का जो हेड है वो क्या बोलेगा, फीफा का चेयरमैन इनको क्या बोलेगा, हट जा, क्या बोलेगा, हट जा लहबीब, वो कहेगा बीबी हट जाओ लहबीब, ठीक है। तो ये है, पहले जो ये आर्मबैंड था ये यूरोप के कैप्टन्स ने, इट वाज डिसाइडेड, मेरे साथ लिखो, इट वाज टू बी वॉर्न बाय, तो नहीं लिख रहा है तो मैं नहीं लिखूंगा, इट वाज बी वॉर्न बाय द कैप्टन्स ऑफ ऑल यूरोपियन टीम्स, ठीक है। उसके बाद फीफा ने मना कर दिया, फीफा सेड वी विल फाइन, फीफा प्रोटेस्टेड, ने प्रोटेस्ट किया, फीफा प्रोटेस्ट, ठीक है, तो उन्होंने नहीं डाला। बस फिर भी एक गोलकीपर था, वो कहता मैं पैसे दे के भी ना, मतलब फीफा प्रोटेस्टेड और फाइन का भी बोला था, तो वो गोलकीपर कहता मैं फाइन भरूंगा और डालूंगा ज़रूर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर टिकट वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है, हॉकी का वर्ल्ड कप, टिकट सेल्स फॉर द मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन भुवनेश्वर, कहाँ पर हो रहा है, चलो लिखो, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, भुवनेश्वर, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इंडिया हॉकी कैप्टन लिख लो, प्लस ये प्रेसिडेंट भी हैं, ये सेम ही, एक बार चेक कर लेना, प्लस प्रेसिडेंट भी यही है, कौन है, मुझे सेम ही लग रहे हैं जिस हिसाब से लिखा हुआ है, दिलीप तिर्की, क्या नाम लिखेंगे इनका, दिलीप तिर्की, पता कैसे याद कर लो, दिलीप कुमार टर्की से, टर्की की जगह यहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे हम, यू को आई से, तो ये नाम हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारा एनालिसिस कंप्लीट होता है। तुम लोगों को क्या करना है मैं बता देती हूँ, तुम लोगों को हरे पेन से लिख के बताती हूँ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को और कमेंट कर देना, ये सब चीज़ अगर करोगे बहुत मदद होगी यार और हाँ कल, मतलब आज का सेशन टाइम पर होगा, पूछोगे नहीं कल मैं क्यों नहीं आई, यार कल मुझे काम पड़ गया था कोई, चलो ये लो, ठीक है।